हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन्ड। तो गुरुदेव, क्या हो अगर एनटीआर का कैरेक्टर कबीर के पास्ट से जुड़ा हुआ हो? तो देखो भाई, बॉटो की जब भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए न्यू ही लाता हूँ, जो बाकी सब लोग बताते हैं उससे थोड़ा सा अलग। देखो बॉटो का क्या है सीन, तुमको पता ही होगा कि एनटीआर एक शिप का सीक्वेंस शूट कर रहे थे। उनका पहला एंट्री सीक्वेंस था और वो बाद में मूवी के अंदर एड कर दिया जाता। वो अभी हाल ही में शूट हुआ था, लेकिन उस शूटिंग के दौरान उनका जो हाथ है वो इंजर्ड हो चुका है। तो अब रिकवरी के लिए चाहिए उनको थोड़ा टाइम, और तक के लिए वॉटो की शूटिंग को रोक दिया गया है। तो अब मैं बात करता हूँ जो सीक्वेंस मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब जो अपडेट है। अपडेट ये है कि कबीर का एक यंग वर्जन होगा, तुम्हें पता है, और ये लोग लुक टेस्ट कर रहे हैं। काफी लोग तुम्हें अपडेट दिए होंगे कि कबीर का जो सीक्वेंस है पास्ट वाला वो शूट हो चुका है। नहीं भाई, कबीर के लिए एक नया लुक तैयार किया जा रहा है। देखो, अयान मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा नहीं चाहते हैं कि टाइगर 3 वाली गलती हो। तुम्हें याद होगा कि टाइगर 3 में भी एक पास्ट सीक्वेंस था इमरान हाशमी और सलमान खान के कैरेक्टर के बीच, तो वहां पर कोई लुक नहीं था सलमान खान का। सलमान खान जैसे थे वैसे ही वहां पर भी लग रहे थे। लेकिन इधर वॉर 2 में ऋतिक रोशन का एक नया लुक तैयार किया जा रहा है। देखो गाइस, पता नहीं भाई, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है ये लोग कहीं क्रिस जैसा लुक डिसाइड ना करें, जैसे ऋतिक रोशन का लंबे बालों वाला लुक जो हमने क्रिस मूवी में देखा था। मे बी हो सकता है कि लंबे बालों वाला ऋतिक रोशन यानी कबीर देखने को मिले, एकदम यंग कबीर देखने को मिलेगा। एक मिशन होने वाला है, आई थिंक मुझे जो अपडेट मिली है कि 20 साल पहले एक मिशन होगा, जो कि भाई बहुत ही हैवी एक्शन सीक्वेंस तैयार किया जा रहा है इस मिशन के लिए, और इसीलिए भाई इसे अभी शूट किया जा रहा था। बट फिर एनटीआर वहां क्या कर रहे थे उस शूटिंग में जहां उनका हाथ इंजर्ड हुआ, तो मे बी हो सकता है कि एनटीआर भी ऋतिक रोशन के पास्ट से जुड़े हुए हों, और मे बी हो सकता है कि जिम भी कहीं ना कहीं एनटीआर से जुड़ा हुआ हो। यानी कि जिम, कबीर और एनटीआर ये तीनों ही इस मूवी में हैं, कोई एक्स्ट्रा कैमियो वगैरह नहीं है, सिर्फ यही तीन एक्टर होने वाले हैं। याद रखना, एनटीआर, ऋतिक और अपने जॉन अब्राहम, इन्हीं तीनों के बीच मूवी की कहानी घूमेगी। इस बार कोई कैमियो नहीं बल्कि सिर्फ स्टोरी पर ध्यान दिया गया है। तो जैसे ही कोई वॉर 2 की न्यू अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, और टीजर जो इसका आएगा वो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू ईयर के मौके पर आएगा। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, तो इस चैनल पर बने रहो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। As always, thanks for watching.